जी बॉयज अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से मज़े में होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बॉयज आज के व्लॉग का जो सीन है ना वो ये है कि आपसे हम कह रहे थे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना इसका, और वो फाइनली आ चुका है। हमने हमने कहा था कि पहले मार्केट थी, मार्केट सेल हो गई थी, लेकिन अब नया प्रोजेक्ट आया है। वो मैं कहता हूँ बहुत तेज़ प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी वो पूरा गाड़ी थोड़ी बहुत तैयार भी होनी है और थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ उसमें काम होने वाला है। अभी वो गाड़ी फिलहाल तो है जो स्टॉक है, वो गाड़ी जो गाड़ी है वो इंट्रोड्यूस करवाते चले। तो 1 2 3 यार बेसिकली ये नूर से मैंने परचेज कर ली हुई है जी। कभी खैर मेरा जहन नहीं था कि मैं फ्रंट व्हील ड्राइव पे कभी आऊँगा, लेकिन रेयर व्हील ऐसा कोई मार्केट में मिल नहीं रही, और अलॉन्ग विद दैट मैंने काफ़ी वर्किंग किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि फ्रंट व्हील जो है ना, जिस प्राइस ब्रैकेट में मैं रेयर व्हील ढूंढ रहा हूँ ना, उसमें मैं फ्रंट व्हील को ना बहुत बहुत तेज़ कर सकता हूँ। अब बेसिकली मेरा इरादा ये है कि इसमें K24 स्वैप करेंगे, कैप्रो लगाएंगे, नैपट्यून करेंगे, रेम टायर वगैरह सब कुछ इच्छी बिच्छी इसकी टडी चेंज कर देंगे। नो मोर स्ट्रैटेजी जी, अब ये बनेगी फास्टेस्ट ईजी इन द वर्ल्ड। अब ये बनेगी फास्टेस्ट ईजी, और मेरा जो अगला सीन है वो ये है कि मैं अब जाऊँगा रियर व्हील ड्राइव की तरफ, और मेरा ख्याल से मैं ले रहा हूँ चेजर एक है मेरे दिमाग में, तो वो मैं ले रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो वन लास्ट टाइम फिर वेल। अब मैं आपको इसमें बताता चलूँ, तो इसमें अब लगने वाला K24 इंजन, डीप डिश और सेमी स्लिक्स पे कह रहे हैं कि सेमी स्लिक्स जाएगी, नेपट्यून होगी और बहुत कुछ होगा। और अंदर आप जैसे देख सकते हैं, अंदर इसकी हेडलाइट्स भी पड़ी हैं नई, जो इसमें लगने वाली आर एस टेल लाइट्स पड़ी हैं वो भी पड़ी हैं। और अब बस क्या कहें यार, अब चली गई है तो चली गई है। Wait a minute. Boys, मेरी रेयर व्हील ड्राइव की वो है, मैंने सोचा वन ऑफ वन काम करें। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल JZX90। ये आपको बता चलें तो ये है अनस का नया प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ वन ऑफ वन प्रोजेक्ट है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना बने और ना पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, इतनी कोई रेयर गाड़ी है। अब बाकी सारा जो इसका रिव्यू करवाएंगे वो अनस करवाएगा, जो जिसने गाड़ी ली है। चलें जी, बेसिकली गाड़ी और सेमीज पे है और डनलॉप समवर्ड सेमीज में ही कंसिडर होते हैं। गाड़ी है जी ये 92 मॉडल चेजर JZX90, और द ओनली थिंग दैट मेक्स इज मेक्स दिस कार वन ऑफ अ काइंड वो है दिस टोरर एस पैकेज जो है। वो मैंने देखा है कि कन्वर्जन्स में है, लेकिन ये ओरिजिनल टोरर एस है। तो जी टोरर एस पैकेज में आपको डिफरेंशियल में स्वीप और स्टेप मिल जाते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट गाड़ी के थोड़े से स्पेक्स ये हैं कि गाड़ी LSD पे है, क्लच पैक LSD है 3.7 फाइनल पे, और गाड़ी टोटली ये स्टिकरिंग हुई हुई है गाड़ी पे माशाल्लाह से। द प्रीवियस ओनर built it with his complete heart into the car, Vakas bhai totally admire his car and I believe so, jis tarah unhone rakhi hui thi main bhi usi tarah isko rakhunga. Yahan pe ji aap dekh sakte hain 10 bhp for you 10 hp plus anyways ye local scene nahi hai, ye pura apexi ka cad pe ye aap check kar sakte hain, jo iska exhaust system aap check kar sakte hain, andar jaliyan wagera, aur niche agar aaye aap niche se dekhen gaadi to sway bar se leke ek ek cheez hui hui hai। डाउन पाइपिंग आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन 3 इंच की डाउन पाइपिंग हुई है। पाइपिंग में जीरो वेल्डिंग है, और टोटल इस गाड़ी में कोई लोकल काम, कोई जुगाड़ कुछ भी नहीं लगा हुआ। प्रोफिक्स गैराज के ओनर हैं माशाल्लाह से वकास भाई, और बिल्ट नॉट बॉट मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन दैट गाय मेड श्योर दिस ब्यूटी वॉज केप्ट एज इट शुड हैव बीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेजर, और थोड़े से डिफरेंसेस इसमें ये आते हैं नॉर्मल X90 से, ये आप देख सकते हैं फ्रेमलेस डोर इधर हैं। हाँ जी, कि इसमें आती है हैंड ब्रेक, यूजली X90s में आती है फुट ब्रेक जैसे मार्क X में भी थी, और खूबसूरत नीट एंड क्लीन इंटीरियर, वन ऑफ इट्स काइंड। इसमें एक और खूबसूरत चीज ये आती है सनरूफ, सनरूफ के सिस्टम भी, सनरूफ है इसमें, और बेहद कम्फर्टेबल ड्राइव है। और लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द कार, पॉप द हुड, द इंजन करना नहीं चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ता है। अब इसका स्टॉक इंजन का बताता चलें, तो इसमें आता है 1JZ GE आता है इंजन। इस गाड़ी में हुआ स्वैप, और स्वैप जो हुआ है वो 3 2 1 चलें जी। बेसिकली ये स्वैप है 3UZ FE,
VVT-i 4.3 लीटर 4300 सीसी इंजन होता है, V8 होता है, 8 सिलेंडर होते हैं इसमें। और आप स्वैप की खूबसूरती देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती और कितनी मोहब्बत से किया हुआ है। नो मैल फंक्शंस, नो वायरिंग, किसी भी चीज को छेड़ा नहीं गया। एक एक चीज आप चेक कर सकते हैं कि एक कोई डस्ट का पार्टिकल भी आपको नजर नहीं आएगा इंजन। हां, टू परफेक्शन कहते हैं ना, दिस कार हैज बीन केप्ट विद इट्स ओनर टिल परफेक्शन। और माशाल्लाह आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस गाड़ी को ओन करता हूँ अब। और ये बेसिकली जैसे सुपरा वगैरह होती है, ये भी चेजर भी एक ड्रीम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल किया है कि आज चेजर कह सकता हूँ कि आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चेजर। माशाल्लाह। तो इसके इंशाल्लाह आपको अभी रोलिंग शॉट्स भी दिखाएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से रिवील करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट इन पर्सन लॉन्चेस वगैरह व्हाटसोएवर पुल्स वगैरह भी दिखाएंगे। और यह सीन है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ स्टार्ट में शुगर लगाया था, लेकिन आई एम अ गाय जो कभी फ्रंट व्हील की तरफ आ ही नहीं सकता। तो बस यही है। अब यूजी पे आ गए हैं 8 सिलेंडर। अब इंशाल्लाह संडे ट्रैक को तो जो सीन्स होंगे उसमें ये होंगे, और इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग की तरफ भी शिफ्ट करेंगे हम। तो इस गाड़ी का आपको बाकी रिव्यू पता चले तो इसमें लगा हुआ है LSD इक्विप्ड हुई है गाड़ी, सेमी स्लिक्स पे गाड़ी, जैसे आप चेक कर सकते हैं डनलॉप के सेमी स्लिक्स पे लगे हुए, क्योंकि जो पावर ग्राउंड करनी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए सेमी स्लिक्स लगे हुए हैं। तो जी इसके हॉर्स पावर जो फिगर है वो गाड़ी के वो है 305 HP के अराउंड अराउंड हॉर्स पावर है इसमें। बाकी जो इसमें जो टायर प्रोफाइल है बैक की, बैक पे आधा चले तो इसमें लगी हुई 275 35 R18 की प्रोफाइल लगी हुई, 18 इंच के सेमी स्लिक्स लगे हुए बैक पे वर्क्स पे। आप एक बात और गौर करें कि इवन दो कि जो इसकी ये है ना, इसको सेंटर कैप्स, मतलब ये तक वर्क्स के ओरिजिनल है, और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये गाड़ी कितनी खूबसूरत और कितने प्यार से बनाई है। ऐसे ही, और इसके ब्रेक्स भी जो है वो अपग्रेडेड ब्रेक्स हैं इसकी। LS 400 की ब्रेकेट लगी हुई है इसको टोटल विद रोटर एंड विद कैलिपर। और ये आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ भी चेक कर सकते हैं काइंड ऑफ सेमी स्लिक्स टायर लगे हुए इसको। फ्रंट पे जो प्रोफाइल है 245 45 18 की प्रोफाइल लगी फ्रंट पे, और ये स्टैगर्ड सेटअप है। बैक पे आपको मेरे ख्याल से मिलेगा 10.5 GJ, फ्रंट पे आपको 9.5 GJ मिलता है। और बहुत कोई मैं कहता हूँ रेयर वन ऑफ वन पाकिस्तान में गाड़ी ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बहुत प्राउड है कि यार इस चैनल पे NRKX NAS पे ये गाड़ी रिवील हो चुकी है। और मैं कहता हूँ कि इतनी कोई खूबसूरत गाड़ी, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कोई रेयर गाड़ी आज तक ना मैंने देखी है, ना इन महीने देखी होगी। नहीं देखी, जितनी कोई साफ गाड़ी है आप इसका पेंट से पेंट का अंदाजा लगाएं कि तकरीबन ये 30 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन आपको ये बंदा कह नहीं सकता। इंटीरियर की हालत भी आपको चेक करवाते हैं, और बाहर से आप तो फिर भी चेक कर लें। बैक पे बिल्कुल जो है वो सिल्विया जो होती है S13 या S12 होती है वैसी बिल्कुल शेप है इसकी, और इतनी कोई वाइड पीछे से है ये गाड़ी, आप चेक करें तो बहुत कोई वाइड किस्म की गाड़ी है। देखें एनू देखो, एनू देखो, खूबसूरत यार खूबसूरत। और अंदर से आपको बताता चलें गाड़ी का, तो यहाँ फ्रेमलेस डोर आ जाते हैं इसके, और बाकी जो है अंडर वुडन कंसोल आ जाता है सारा। तो यहाँ जो नीचे है तो यहाँ पावर मोड है और नॉर्मल मोड है, बाकी मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और बाकी खूबसूरत किस्म का इसका इंटीरियर मीटर भी है, वो अभी चला के दिखाता हूँ मैं आपको, एयरबैग भी। बाकी अलॉन्ग विद डैट आप कुछ बताते चल रहे हैं इसमें, एक एक चीज़ खूबसूरती से, ये देखें ये लाइट अभी तक चलती है यार इसकी, खूबसूरत खूबसूरत। अलॉन्ग विद डैट ये जो गाड़ी का फ्रंट है और बैक है, इसमें S2 की ग्रिल्स और लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये टोटली 92 का JZX नहीं है, 96 पे फेसलिफ्ट है, 96 की S2 की है। और जहाँ तक इसके बात करें इंजन की, तो इंजन से बेसिकली पावर फिगर्स ये हैं कि 305 पे आता ही है, 305 BHP भी आते हैं, और V8s जो हैं वो जाने जाते हैं अपने टॉर्क के फिगर्स पे, 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो दिस इंजन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ टोटली बर्निंग द टायर इन 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। और एंड पे आपको बताता चलें तो आई लव हिटर्स, बाकी ये आपको बताता चलें सनरूफ वगैरह सब कुछ इस गाड़ी में है, और एंड पे जो स्पॉइलर लगा है तो जी बॉयज इसका फर्दर रिव्यू अभी थोड़ा सा आगे जाके देते हैं। फ्रंट पे आपको पता चले S2 की ग्रिल्स लगी हुई है, हेडलाइट्स लगी हुई है, बहुत कुछ लगा हुआ है। बाकी इसकी जरा एक राइड लेते हैं, इसका मांडा आपको चेक करवाते हैं कि गाड़ी में क्या कैपेबल है, क्या हॉर्स पावर, क्या फिगर बनाती है गाड़ी, और चलते हैं 3
2-1 तो बॉयज यहाँ आप चेक कर सकते हैं फुल टाइम खानदानी इंटीरियर खड़पेचो वाला स्टेरिंग खानदानी इंटीरियर लाल परी तो नहीं है चिट्टी परी लेकिन है यार खूबसूरत ऊपर से बंदा यार स्मूथ इसका सेकंड वंडा आप चेक करें 1-2-3 सिर यार बॉयज इसमें अभी बैठ के हैं और थोड़े बहुत पाँव कामने शुरू हो गए हैं अभी जाने के उसी वाली साइड पर थोड़ा बहुत उधर मांडा शांडा मारते हैं और जी बॉयज ये चेक करें UZ इंजन क्या यार खूबसूरत चीज है खूबसूरत एल्सन के एल्सन वर्सेस चेजर इस गाड़ी के आप साउंड सिस्टम चेक करें यहाँ एक स्पीकर वहाँ दूसरा स्पीकर पीछे चार स्पीकर मतलब टोटल चार स्पीकर पीछे सब ऊपर वूफर 2 लाख का तकरीबन इसमें सिर्फ साउंड सिस्टम लगा हुआ है बाकी जो गाड़ी की आप पुरानी वाइब्स चेक कर सकते रेट्रो वाइब्स वो फुल विंटेज गाड़ी वाले वाइब्स नीचे से आप वो गाड़ी का बताऊं तो इसकी जो सफाई है आप चेक कर सकते हैं मैट से लेके एक एक चीज एक एक सील वगैरह अपनी कंडीशन में है जो शोरूम कंडीशन होती है तो जी बॉयज इसमें आपको बता चले JIC 4-way कॉइलओवर रेसिंग कॉइलओवर्स लगे हुए इसमें वो इंशाल्लाह हम स्टैटिक भी शो करेंगे हर चीज इस पर ट्राई करनी है ज्यादा रगड़ना नहीं है लेकिन सब कुछ इस पर ट्राई करना है और माशाल्लाह से गाड़ी में कोई इतनी कोई पावर है कि गाड़ी की आप हाफ से ज्यादा टोटल देंगे गाड़ी स्लिप हालांकि सेमी स्लिप पे लेकिन फिर भी स्लिप कर रही है गाड़ी तो माशाल्लाह मैं कहूँगा बहुत ही कोई खूबसूरत गाड़ी है अल्लाह पाक नसीब करे इसको चलाना सारे आमीन कह दो यार और बाकी यार अभी इसका बाकी फर्दर रिव्यू आपको देंगे अभी हमने थोड़ा सा ऊपर से बताया अभी इसकी सारी स्पेक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बाकी आपको देंगे अभी सर रिवील वीडियो बनाई थी छोटी वीडियो है तो ज़रा आपने इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह BW प्रोडक्शन पे के पेज पे अब इसकी रिवील वीडियो भी आएगी तो हमारी सारी वीडियोस वगैरह वीडियोग्राफी सिनेमैटिक्स वगैरह मैनेज करते हैं बासिम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और बस दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू ऑल लाइक द कार प्लीज गाइज माशाल्लाह बोल देना संडे ट्रैक को गाड़ी आपको नजर भी आएगी अब से हमारे संडे ट्रैक्स में हम जाके दूसरों की गाड़ियां नहीं दिखाएंगे अपनी जाती गाड़ी दिखाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गाड़ी वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो बाकी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं इंस्टा पे फॉलो करें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।